ईशान टाइम्स वेब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको यह दृश्य दिखा रहे हैं पंजाब के मोहाली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जीरकपुर थाना अंतर्गत पीर मुशल्ला क्षेत्र में, जहां पर यह निर्माणाधीन 3 मंजिला इमारत एकाएक ढह गई। इसके नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका थी, जो कि NDRF की टीम द्वारा जांच करने पर इसमें कोई भी लोग दबे हुए नहीं मिले। इसमें जब मजिस्ट्रेट जांच के आदेश स्थानीय DC ने दे दिए हैं, NDRF की टीम ने जब मौका संभाला और उसके बाद बुरी तरह से जमींदोज इस बिल्डिंग को देखा, काट पीट का यह दृश्य आप देख रहे हैं। DC मोहाली मौके पर तुरंत पहुंची और DCP मोहाली भी इस मौके पर पहुंचकर सभी प्रशासनिक अमला इस जमींदोज बिल्डिंग के समीप पहुंच गए थे। DSP भी मौके पर पहुंच के स्वयं NDRF की टीम को डायरेक्शन दे रहे हैं। देखिए, इस बिल्डिंग का कॉलोनाइजर कौन था वो नहीं पता चल सका। इसके अंदर 18 फ्लैट्स का निर्माण चल रहा था। पूरे इलाके के लोग दहशत में हैं और कोई भी व्यक्ति इसमें घायल नहीं हुआ। सभी मजदूर वहां से बिल्डिंग ढहने के नाम पर, जो पिलर इसके कमज़ोर थे, वे एक बार जब टूटने लगा तो लोग समर के भागे और थोड़ी ही देर में ये बिल्डिंग ढह गई। और 4 JCB, 3 एम्बुलेंस और अन्य पूरी की पूरी टीम इसमें लगी। यहाँ पर बिना नक्शा पास किए, बिना उचित मानक के इस बिल्डिंग्स का निर्माण किया जा रहा था और नक्शा पास करने के नाम पर इसमें भी घोटाले कोताही हुई है। वार्ड पार्षद का भी इसमें मुकदमा दर्ज हुआ है, वार्ड पार्षद के खिलाफ भी, और पूर्व EO और वर्तमान EO सहित 10 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। इसको बिल्डिंग को बनने के समय पिछले छः महीने से सभी समाचार पत्रों में और मीडिया ने इस खबर को बार बार उछाला, लेकिन प्रशासन सोया हुआ था। ये पिछली सरकारों के कुछ चुनाव के बाद, जिस समय एकाएक जो ऑर्डर्स पास हुए कि पता नहीं सरकार आती है नहीं आती है, क्या है कैसे है, सारे ऑर्डर्स हम लोगों ने रातों रात पास किए और उसी का ये बिल्डिंग तैयार की गई। रातों रात बिल्डिंग तैयार हुई। बिल्डिंग मटेरियल का रेशियो भी ठीक नहीं था, कोई जांच नहीं की गई। नक्शे की फीस जमा करने तक ही प्रशासन जागा रहता, उसके बाद इश्यू हो जाता है, ये गायब हो जाते हैं। पंजाब सरकार के द्वारा इस तरह की कोताही ना हो, इसके लिए जांच कमेटी बिठा करके आगे कार्रवाई शुरू कर दी। देखिए किस तरीके से यह NDRF की टीम पूरे घायलों को निकालने के लिए उस वक्त लगी थी। यह रिपोर्ट ईशान संवाद, ईशान टाइम्स के लिए मोहाली जीरकपुर से कैमरामैन कमल कलसी के द्वारा भेजी गई। हमारी टीम वहां पर शाम तक लगातार मौजूद थी कि कोई घायल मिलेगा या किसी भी व्यक्ति के पाए जाने की सूचना तक वहां पर भी मौजूद थे। देखिए इस पूरी खबर में कितनी गलत तरीके से इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया और सरकार की पोल को ये खुल रही है। और वो सरकार किस तरीके से शांत, पूरी कंप्लीट हो चुकी थी बिल्डिंग, एकाएक गिर चुकी, लेकिन पर टंकियाँ भी लग गई थी, सभी चीज़ सारी फिटिंग्स हो गई थी, लेकिन इसमें देखिए सरिये का नाम नहीं है, कहीं पर भी सरिया का इस्तेमाल नहीं किया गया है, केवल रेत पर ये बिल्डिंग कर दी गई। कल इसके अंदर लोग आते वे रहते, रहने के बाद उनके ऊपर ये बिल्डिंग जमींदोज होती तो क्या स्थिति होती, क्या भयावह स्थिति होती, वो आप देखिए। कैमरामैन कमल कलसी की रिपोर्ट। यह रिपोर्ट आप ईशान टाइम्स YouTube चैनल पर देख रहे हैं और ईशान टाइम्स YouTube चैनल इस तरीके से सभी खबरों तक आपको पहुंचाता रहता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को
आप दबा भी दें, जिसकी वजह से आपको ये खबरें, इस तरीके की खबरें या कोई भी खबर आप तक तुरंत पहुंचेगी। धन्यवाद।